साथ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी मौजूद है। आज सदन में एक बड़ी घोषणा आपने की है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के कारण वर्ग संघर्ष पैदा हो रहा है, अशांति पैदा हो रही है, लोभ लालच में लोगों को धर्मांतरित करवाया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में शांति बनी रहे, छत्तीसगढ़ में कोई भी लोभ लालच पैसे के दम पर इलीगल धर्मांतरण नहीं करवा पाए और उसको जो कानून है उस कानून का लोग पालन करें। अभी जो कानून है वो कानून इतना लचर है कि उसमें लोग उससे डरते नहीं हैं, तो अब हम ऐसा कानून बनाएंगे छत्तीसगढ़ में शांति बनाए रखने के लिए कि कानून का डर पैदा हो और उसके कारण इलीगल धर्मांतरण रुके। इसी सत्र में उम्मीद की जाए कि विधेयक आ जाए। निश्चित रूप से हमारी कोशिश होगी इसी सत्र में ले आए। बड़ी घोषणा और आपने की, क्योंकि आप लगातार अनुदान मांगों पर जब चर्चा हो रही थी तो एक मांग आ रही थी सब्जेक्ट टीचर की भर्ती को लेकर, 33,000 टीचरों की भर्ती की घोषणा आपने। निश्चित रूप से अगर हमको छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है तो छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा और इसको मजबूत करने के लिए हमने 33,000 के सब्जेक्ट टीचर भर्ती करने की का निर्णय लिया है और हम कोशिश करेंगे कि एक साल में पूरी भर्तियां हो जाएं, जितने प्रमोशंस हैं वो हो जाएं और हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे उस व्यवस्था में लगे हुए लोग निश्चिंत होकर काम कर सकें। खाली वो मंत्रियों के, विधायकों के अपने ट्रांसफ़र के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, अपनी क्रमोन्नति के लिए, अपने वेतन के लिए, शिक्षकों की कमी के लिए लोगों को इधर उधर भागना ढूंढना नहीं पड़े और बच्चों के भविष्य के प्रति वो निश्चिंत होकर काम कर पाए, इसके लिए हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। आखिरी सवाल है सर, गणवेश के अलावा अब जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको आप बैग उपलब्ध कराएंगे, जूता मोजा भी उपलब्ध कराएंगे, आज इसका ऐलान किया। विभाग जब मेरे विभाग पर चर्चा हो रही थी तब विधायकों ने कहा कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वो बेचारे नंगे पांव स्कूल आते हैं, प्लास्टिक की पन्नी में अपनी किताबें रख कर आते हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये संवेदनशील मामला है, इसलिए पहली से पांचवी तक के बच्चों को जूता मोजा और ड्रेस तो हम उपलब्ध करवाते ही हैं, साथ में उनको बस्ता भी उपलब्ध करवाएंगे, जिससे कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में जो विभेद दिखता है और जो हीन भावना पैदा होती है वो हीन भावना समाप्त हो। साथ में जो लड़कियों को नवीं क्लास में हम साइकिल देते हैं, अभी अनुसूचित जाति जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे वाली बच्चियों को देते हैं, उसके कारण भी स्कूल में विभेद पैदा होता है, इसलिए नवीं क्लास की सभी बच्चियों को, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली सभी बच्चियों को हम साइकिल उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद सर। तो छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाएगा और इसी सत्र में इस कानून बनाने को लेकर विधेयक लाया जाएगा। हमारे साथ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मौजूद थे जिन्होंने खुद कहा कि कड़ा कानून बनेगा तो फिर धर्मांतरण भी रुकेगा। कैमरा पर्सन DK सिन्हा के साथ श्रीकांत यदू, साधना न्यूज़ रायपुर।